गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 105 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, टीट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप लोगों ने दिवाली मनाई होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर हेल्पर्स के बारे में, हमारे मददगार, पार्ट नंबर 1। प्यारे बच्चों, आइए आज हम हमारे मददगारों के बारे में पढ़ते हैं, यानी ऐसे लोग जो हमारी मदद करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी मदद कौन करते हैं? डॉक्टर अंकल हमें अच्छी सी दवाई देते हैं, है ना। और हमें स्कूल में कौन पढ़ाती है? हमारी मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, है ना। इसके अलावा हमें अच्छे अच्छे कपड़े कौन सिल के देता है? हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म कौन सिल के देते हैं हमें? दर्जी, यानी कि टेलर अंकल, है ना। अच्छा, जब हमें डॉक्टर कुछ दवाई लिखते हैं तो वो हमें दवाई देता कौन है? वो नर्स मैम देती हैं हमें, है ना। और हमारे बाल कौन काटता है? बार्बर, यानी कि नाई। और अगर हमारे घर में कुछ चोरी हो जाती है, कुछ चीज़ नहीं मिलती है, कोई चुरा ले जाता है, तो उसकी कंप्लेन हम कहाँ करते हैं? पुलिस अंकल को करते हैं। और अगर हमारी चप्पल टूट जाए या जूता फट जाए तो फिर हम कहाँ जाते हैं? क्लोबलर के पास जाते हैं, मोची अंकल पास जाते हैं, है ना। और हमारे मोहल्ले की सफाई कौन करते हैं? सुबह सुबह झाड़ू कौन निकालते हैं? स्वीपर अंकल निकालते हैं, है ना। उसके अलावा हम लोग को दूध देने मिल्क मैन आते हैं, और सब्जियां लेके ग्रीन ग्रोसर आते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा। अब देखें, यहाँ लिखा है, प्यारी बच्चों, क्या आपको पता है कि बीमार पड़ने पर हम इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? तो बिल्कुल ठीक, हम डॉक्टर पास जाते हैं। हमारे कपड़े कौन सिलता है? तो हमारे कपड़े टेलर अंकल, यानी कि दर्जी सिलता है। और चोरी होने पर हम किसकी मदद लेते हैं? तो चोरी होने पर हम पुलिस अंकल की मदद लेते हैं। अस्पताल में बीमार लोगों की सेवा कौन करता है? तो अस्पताल में बीमार लोगों की सेवा नर्स आंटी करती हैं, है ना। विद्यालय में बच्चों को कौन पढ़ाता है? तो विद्यालय में हमें शिक्षक या शिक्षिका, अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आइए नीचे दिए गए चित्रों में अपने मददगारों को पहचान कर उनसे संबंधित वस्तुओं पर गोला लगाएं। तो क्लोबलर, क्लोबलर क्या करते हैं? जूतों को सही करते हैं। स्वीपर अंकल क्या काम करते हैं? झाड़ू से डस्टिंग करते हैं, है ना। मिल्कमैन अंकल जो होते हैं वो अपनी बाल्टी में दूध लेके आते हैं। और जो आपके सब्जी वाले अंकल होते हैं, उनके पास तराजू होता है सब्जियों को तोलने के लिए। अब यहाँ लिखा है, अभी मददगारों के चित्रों को उनके प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से मिलाइए। तो दर्जी अंकल किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सुई, धागा, कैची, इंच टेप, है ना। टीचर किसका यूज़ करती हैं? ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, है ना। डॉक्टर अपने आले का इस्तेमाल करता है। और क्लोबलर अपने जो आपके सॉरी क्लोबलर कह रही बार्बर यानी कि नाई, वो उस्तरा, रेजर, कैची, ब्लेड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है ना। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।